विषय की शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे जनरल साहब का। एक बार भारत माता की जय के उद्घोष के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। इतनी ऊर्जा है देख करके लगता है हमारे गवर्नर हों तो ऐसे ही होने चाहिए। जिनमें जोश हो, जुनून हो, शौर्य हो, वीरता हो, पराक्रम हो, क्योंकि शौर्य, वीरता और पराक्रम के बिना जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। और जिसमें वीरता होती है गुरुओं के अनुग्रह से, विनय तो उसके स्वभाव में ही इनबिल्ड होती है, स्वभाव में सन्निहित है हमारी। और अब वो क्षण जिसकी प्रतीक्षा इस विश्वविद्यालय को बहुत अरसे से थी, कोविड के कारण से थोड़ा कार्यक्रम में विलंब हुआ, लेकिन वो क्षण आ ही गया। आज हम निःशब्द हैं क्योंकि भावों को पूर्ण अभिव्यक्ति देने में शब्द अपना सामर्थ्य खो देते हैं। तो आज पूरा पतंजलि योगपीठ गौरवान्वित है, पूरा पतंजलि विश्वविद्यालय गौरवान्वित है। और आज ये क्योंकि ऐतिहासिक क्षण है पतंजलि विश्वविद्यालय के लिए, जब प्रथम दीक्षांत समारोह, जब भी हम याद करेंगे आने वाले सैकड़ों सालों तक, तो आज का दिन हमारे लिए उसमें एक स्वर्णिम याद की तरह रहे। और इस क्षण को यादगार बनाने के लिए, हम सबको अपने आशीषों से अभिषिक्त करने के लिए कि अब इस देश में नए साम्राज्य, नई सत्ताएं, नई व्यवस्थाएं, नई चुनौतियों और नए नए जो भी झंझावात, आंधी और बीच में आगे बढ़ते हुए आपको विश्व कीर्तिमान बनाने हैं। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ, आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हमने देखा आज से 75 साल पहले 565 रियासतें थी वो ध्वस्त हो चुकी। पूरी दुनिया की जो अलग अलग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संरचनाएं थी वो कहीं ना कहीं एक नया रूप ले चुकी, और आने वाले समय में एक नई भूमिका आपको निभानी है। और उसके आशीष देने के लिए हमारे महामहिम आए हैं। एक बार भी खड़े होकर के जोरदार कर्तव्य ध्वनि से पावन ओंकार के उद्घोष के साथ उनका अभिनंदन करते हैं कि वो अपने आशीषों से हम सबको अनुग्रहित करें। एक बार फिर से बोले भारत माता की, भारत माता की। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बैठ। पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव जी, कुलपति आचार्य बालकृष्ण जी, संकाय अध्यक्षा एवं कुलानुशासिका साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी, अन्य गणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों तथा देवियों और सज्जनों, इस समारोह में पतंजलि परिवार के उत्साही सदस्यों के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और ऐसा लगता है कि ये उत्साह जब से दीक्षांत समारोह प्रारंभ हुआ है और जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये उत्साह ऐसा ही बना रहेगा। इस दीक्षांत समारोह के लिए मुझे अप्रैल के महीने में आने का कार्यक्रम बना था, परंतु कोविड महामारी के कारण ऐसे सभी कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा। आज इस समारोह में आकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक अच्छा कार्य जो अधूरा रह गया था वो आज पूरा हो रहा है।
वो अधूरा कार्य मात्र पूरा ही नहीं हो रहा है बल्कि स्वस्थ और उत्साह भरे वातावरण में। आज सबसे पहले मैं दीक्षांत समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में आना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होती है। हरिद्वार का हमारी भारतीय परंपरा में एक विशेष महत्व रहा है। हरिद्वार को हरिद्वार भी कहा जाता है। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। इस प्रकार हरिद्वार भगवान विष्णु और महादेव शंकर दोनों की पावन स्थली में प्रवेश का द्वार है और इससे भी बढ़कर यहाँ की पावन धरती पर रहने का और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना आप सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव जी ने योग की लोकप्रियता को बढ़ाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। जन सामान्य को भी योगाभ्यास से जोड़कर उन्होंने अनगिनत लोगों का कल्याण किया है। दस और पंद्रह वर्ष पूर्व हम लोग देखते थे कि भारत में योग को एक तपस्या माना जाता था और ऐसा सोचते थे लोग कि योग वही कर सकता है जो सन्यासी होगा, जिसने घर गृहस्थी छोड़ दी होगी, और जो साधु संत होगा। मुझे लगता है कि इस दौरान स्वामी रामदेव जी ने योग की परिभाषा को बदल दिया। आज हर व्यक्ति, वो चाहे ट्रेन में सफर कर रहा हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में बैठा इंतजार कर रहा हो या अन्य कहीं, उसको कभी कभी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो वो या तो अनुलोम विलोम में लगा होगा या कपालभाति में लगा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, भारत सरकार के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 2015 में प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ऐसे प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 2016 में योग को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था।